ये तस्वीरें छतरपुर के जिला अस्पताल की है, जहां आधी रात को इलाज की जगह हाथापाई हो रही है। यह हाथापाई डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुई, जिसका पूरा वाक्या अस्पताल के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल छतरपुर जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला, जहां रात के वक्त जिला अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की गई। जब डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया तो नाराज परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद सभी डॉक्टरों ने एकजुट होकर काम करना बंद कर दिया। द्वारा देखने के उपरांत वो डेड बॉडी लेकर के बाहर चले गए, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। ले जाने के बाद उनके 10-12 लोग, जिसमें से एक को मतलब नामजद उसका पता है और मोबाइल नंबर भी है, वो आकर के वो डॉक्टर ड्यूटी रूम के अंदर घुस करके उन्होंने मारपीट की है। जब गार्ड उसे बचाने आए तो उसके साथ भी अभद्र व मारपीट की है। इसके बाद जिला अस्पताल का स्ट्रेचर लेकर के और डेड बॉडी निजी अस्पताल छतरपुर में ले गए, ऐसा ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बताया है। हम डॉक्टर को जैसे सभी को पता चला है, सभी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब तक उसके विरुद्ध यदि कार्रवाई नहीं होती है, हम एक भी मरीज को नहीं देखेंगे। बता दें कि जिले के बमीठा में सड़क हादसे में एक युवक का एक्सीडेंट हो गया था और घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी कर रहे डॉक्टर साजिद खान ने उस घायल युवक का इलाज किया, लेकिन वो घायल युवक को बचा नहीं पाए, जिसके कारण गुस्साए परिजनों ने उस डॉक्टर के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ जो उनके रिलेटिव आए हुए थे और जो ड्यूटी डॉक्टर थे, उनके बीच कुछ इशू हुआ था और गंभीर मैटर था। इमीडिएट हमारे थाना प्रभारी आए और हमने इंश्योर किया है कि सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी FIR इसमें की जाएगी। ये अभी कोतवाली थाना का है, लेकिन जो मैटर था शायद हिट एंड रन का मैटर था, वो बमीठर से जहां वो पेशेंट को लेके आए थे, और कोतवाली में इसका हम FIR रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अभी मेरी वही सभी CS सिविल सर्जन और दूसरे डॉक्टर सभी से बात हुई है। उनका कुछ और डिमांड थी, कुछ पुलिस फोर्स बढ़ाने चौकी में, तो उसको हम अभी रेशनलाइज करेंगे और जो बेहतर होगा बेहतर से व्यवस्था की। तो वहीं इस मारपीट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करवाया और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की।